हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का अति महत्वपूर्ण स्थान है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृ पक्ष का आरंभ होता है। यह आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। 20 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 तक इस बार यह मनाया जाएगा। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों और पितरों की आत्म तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इससे व्यक्ति पर पितृ दोष नहीं लगता है और घर परिवार की उन्नति होती है। पितरों के आशीष से वंश वृद्धि होती है। आपको बता दें कि इन तीन जगह देने पर पिंडदान अमर हो जाता है, अर्थात इन तीन स्थानों पर पिंडदान करना सर्वोत्तम माना गया है। पहला है गया बिहार। गया जिला बिहार की सीमा से लगा फल्गु नदी के तट पर स्थित है। धार्मिक मान्यता है कि गया में फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृतात्मा को शांति मिलती है, उन्हें सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए गया को श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है। पितृ पक्ष के दौरान यहाँ पर हर साल लोग पिंडदान करने आते हैं। हालांकि मौजूदा समय में कोरोना की तीसरी लहर आने की चर्चा जोरों पर है, इसलिए श्रद्धालु समय और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करते हुए पिंडदान भी कर सकते हैं। ब्रह्म कपाल, उत्तराखंड। ब्रह्म कपाल श्राद्ध कर्म के लिए अति पवित्र स्थल है। यह तीर्थ स्थल अलकनंदा नदी के समीप स्थित है। यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। यह स्थान बद्रीनाथ धाम के समीप स्थित है। धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्म कपाल में श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करने से पूर्वजों की आत्माएं तृप्त होती है और उनको सदगति के साथ स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने से कहीं भी पितृ पक्ष और कहीं भी पितृ श्राद्ध और पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलते हैं कि पांडवों ने भी यहाँ अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया था। नारायणी शिला, हरिद्वार। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास लोग पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि नारायणी शिला पर पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है। हरिद्वार, हरि का द्वार है। मान्यताओं के अनुसार हरिद्वार में भगवान विष्णु और महादेव दोनों ही निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पिंडदान करना सर्वोत्तम माना गया है।